फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस लगातार अपनी नाकामी का सबूत पेश कर रही है। एक के बाद एक इस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं, जिससे ये साफ होता जा रहा है कि पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। उन्हें दिए गए अधिकारों का वो मर्जी से दुरुपयोग भी कर सकते हैं, धाराओं के साथ खेल खेल रहे हैं। पहला मामला सीआरपीएफ कमांडो पर 3 झूठे मुकदमे दर्ज कर उसे जेल भेजने का, परिजनों का, प्रशासन का इन सबका जब प्रेशर पड़ा तो जमानत पर रिहा कर देना। दूसरा मामला विश्वविद्यालय कैंपस में 2 छात्रों को गोली मारने के कथित आरोपी बीजेएमसी का स्टूडेंट कादर राजपूत की पुलिस से मुठभेड़। इस मामले में अब पुलिस बुरी तरह से घिर चुकी है। छात्रों का कहना है कि ये मुठभेड़ पूरी तरह से फर्जी है। तीसरे मामले की बात करें तो मेरठ पुलिस की एसआईटी द्वारा भेजे गए तेल के नमूनों की जांच करने से दिल्ली और रुड़की की लैब्स ने इनकार कर दिया है। जाहिर है ये काम जिला आपूर्ति विभाग के जिम्मे था, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के काम में पुलिस की नाक घुसाने का जो रवैया रहा उस पर वर्दी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जब तेल में मिलावट की परेशानी और इस पर जांच आपूर्ति विभाग ने नहीं की तो फिर इस पर पुलिस को एक्शन लेना जरूरी पड़ गया। नकली पेट्रोल डीजल बनाने के काले खेल की परतें लगातार उधरती जा रही हैं। माफिया की 2 फैक्ट्रियों से रोजाना करीब 60,000 लीटर नकली तेल बन रहा था, जो कि 1.40 लाख लीटर पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता था। इस तरह रोज 2 लाख लीटर मिलावटी तेल बनाकर पंपों पर सप्लाई किया जा रहा था। एसआईटी की जांच अगर ठीक से हो जाए तो कई सफेदपोश पुलिस प्रशासन के अफसरों के नाम इस खेल में उजागर हो सकते हैं। 20 अगस्त को मेरठ पुलिस ने प्रतापपुर क्षेत्र की 2 केमिकल फैक्ट्रियों पर छापा मारा था। इसमें 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही करीब 2.25 लाख लीटर केमिकल बरामद भी हुआ। पुलिस ने इस बात का दावा किया कि केमिकल में मिलावट है और इसे पेट्रोल बनाकर बेचा जा रहा है। आपूर्ति विभाग की टीम 2 केमिकल फैक्ट्रियों और 3 पेट्रोल पंपों से तेल के नमूने पहले ही जांच को भेज चुकी थी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आपूर्ति विभाग अपना काम कर चुका था, इंतजार था तो रिपोर्ट्स आने का। लेकिन केमिकल फैक्ट्रियों से कुछ और नमूने लिए गए, जिन्हें एसआईटी प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देश पर जांच के लिए पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो दिल्ली और आईआईटी रुड़की के लैब में भेजा गया, जहां दोनों ही लैब्स ने ये कहकर नमूनों की जांच करने से इनकार कर दिया कि वो क्रिमिनल केस में कोई भी जांच नहीं करते हैं। फिलहाल नमूनों की जांच अलग अलग लैब में करवाई जा रही है और रिपोर्ट आने पर आपसी मिलान करके मामला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2 लाख लीटर मिलावटी तेल रोजाना पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने तक कितने विभागों के अधिकारी शामिल हैं, इसकी जांच बेहद जरूरी बन गई। पुलिस, आपूर्ति विभाग और ऑयल कंपनी की भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध बताई जा रही है। एसआईटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका तलाशनी भी अब शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।